बेटा करो, अच्छे से करो, हाथ हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, फिर हाथ सटाओ सटाओ जल्दी। राजा हटिया सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अंकित जी ब्लॉग में स्वागत है गाइज आप लोगों का। सो गाइज, आज का जो ब्लॉग है कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि गांव में किस तरह से फेस्टिवल मनाया जाता है, साथ ही फेस्टिवल में क्या क्या होता है, सब कुछ दिखाऊंगा आज। तो फेस्टिवल जो है गाइज वो शाम को है। तो आज एक और बात है गाइज कि आज तीज और चरचन्ना पवनी दोनों एक साथ ही है, एक ही दिन, आज ही के दिन है गाइज। तो फिलहाल मैं अभी रेडी हो चुका हूँ, रनिंग करके अभी आया था जस्ट, और नहा धो के रेडी हो चुका है, अभी जा रहा है कोचिंग जाने का इस महदीनगर बाजार जो पड़ता है हमारा। तो अभी जाएंगे बाजार कोचिंग, और वहाँ से आएंगे वही 12 बजे के करीब में, और शाम में है पर्व। तो आपको दिखाते हैं पर्व गाइज किस तरह से पर्व मनाया जाता है। और हाँ गाइज, इससे ये देखिए गाइज आप लोग कि शहर में और गाँव में क्या फर्क होता है। लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि गांव क्या चीज़ है और शहर क्या चीज़ है। अभी गाइस जितना हरियाली और जितना भी वातावरण साफ है गांव का, उतना शहर में वातावरण साफ नहीं है। यहां का जो पर्व होता है ना गाइस, सब मिलजुल कर मनाते हैं एक साथ, बहुत मज़ा आता है दिल से गाइस, दिल से। तो दिखाएंगे आप लोगों को और बताइएगा गाइस कि ये सब पर्व होता है बाहर की नहीं। तो गाइस तीज के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, सर्वप्रथम पार्वती माता ने किए थे तो इसके बारे में तो पता है। अब चरचन्ना पवनी, तो अगर जो जो लोग नहीं जानते गाइस, तो मैं दिखाऊंगा किस तरह से होता है। जैसे होता है ना गाइस कि जैसे छठ पर्व होता है बिहार में, तो उसी टाइप में यहाँ ये जो चरचन्ना पवनी उसी टाइप में होता है। बट इसमें ना घाट पे जाके पर्व नहीं होता, अपने आंगन में करते हैं पर्व लोग, और सेम उसी के तरह पर्व है ये। तो दिखाते हैं आपको शाम में, फिलहाल अभी चलते हैं गाइस पढ़ने। सो गाइज, मैं कोचिंग से 12 बजे आ चुका था, और आने के बाद थोड़ा घर में जैसे पूजा वूजा है तो उसके लिए थोड़ा काम भी करना पड़ता है गाइज, जैसे गिलाफ प्रसाद वरसाद लाना पड़ता है, तो इसी में थोड़ा व्यस्त हो गया था, तो इसलिए ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाया। और मार्केट का जो है ना गाइज, एक और स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगा, इसलिए मार्केट आप लोगों को नहीं घुमाया, तो मार्केट का एक स्पेशल ब्लॉग आएगा। तो फाइनली अभी शाम हो चुका है, देख सकते हो लगभग लगभग शाम हो चुका है। तो कुछ ही देर में गाइस पूजा स्टार्ट होगा, विद इन एक घंटे में स्टार्ट हो जाएगा पूजा। तो आप लोग को दिखाएंगे किस तरह से पूजा होता है गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ आगे तक। सो फाइनली गाइस पूजा स्टार्ट हो चुका है, तो पूजा हो रहा है आंगन में, तो आप लोगों को चलिए दिखाते हैं कैसे होता है पूजा, चलते हैं गाइस आंगन में। तो ये देखिए गाइस, दिखाते हैं आप लोगों को बैक कैमरे से। तो ये देखिए गाइस रेडी हो रहा है प्रसाद, और उधर देखिए वो। तो गाइस जैसे कि छठ पर्व में जो भी होता है ना, छठ पर्व में सेम वैसे ही होता है, हाथ भी वैसे ही उठता है, बट क्या है कि ये आंगन में पूजा होता है, और वो जो होता है छठ पर्व वो होता है नदी के किनारे, बस यही फर्क है इन दोनों पूजा में। तो देखिए गाइस पूजा जो है गाइस बड़ी मम्मी कर रही है, ये देखिए, और ये देखिए ये भी सब चढ़ेगा, अभी जस्ट अभी चढ़ने वाला है सब प्रसादी और सब।
गाइस पूजा समाप्त हो चुका है तो अभी थोड़ा सा प्रसाद खाएंगे, तो और भी देखिए क्या होता है, आगे देखते रहिए। किस तरह से हमारे यहाँ जो गांव में है किस तरह से पर्व होता है। बेसिकली गाइस हमारे यहाँ जितना भी पर्व होता है ना एकदम मतलब मिलजुल के जो पर्व होता है सब मिलजुल के होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा जहाँ पे पूजा होता है वहीं पे केला के पत्ते पे बैठ के जो घर के जेंट्स लोग है वो थोड़ा प्रसाद खाते हैं वहाँ पे बैठ के, तो ये सब जो है गाइस परंपरा है हमारे यहाँ का और सब साथ में मिलकर बैठ कर खाते हैं। यही तो मेन जो रीजन है ना गाइस पूजा का यही सब है, जो आपस में जो प्यार है बना रहे, इसीलिए जो ये सब पूजा वूजा बनाया गया इसी कारण से बनाया गया है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है, अच्छा लगा होगा तो गाइस ब्लॉग को लाइक कीजिए और हाँ गाइस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। सो तब तक के लिए बाय और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस।